सो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग डाल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रखा था, क्योंकि हमारे आउटलेट का सब कुछ चेंज होने वाला है, मेन्यू चेंज होने वाला है, ड्रिंक्स चेंज होने वाले, तो सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये मेरी 20 दिन की मेहनत है इसमें, तो चेक करके देखते हैं कितनी आई है। सो गाइस इसमें है मेरी 20 दिन की मेहनत, तो मैं इसको खोलने जा रहा हूँ, बहुत खुशी भी हो रही है। अभी देख लेते हैं, आप देख सकते हो इसमें, ये मेरी 20 दिन की मेहनत है। तो गाइज मैंने इनको ना डिवाइड कर दिया, आप देख सकते हो मैंने इनको डिवाइड कर दिया इस तरीके से। जो सबसे मोटा वाला था ये मैं अपने घर में दे दूंगा, ठीक है। एंड इससे मतलब मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, एक तो ये दूसरी खुशी हो गई मेरी, मैं कि अभी अपने घर जाने वाला हूँ, अभी रात में मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा, तो सबसे पहले अपना मम्मी का रिएक्शन दूंगा। जब मैं अपनी मम्मी को ज़्यादा ये पैसे दूंगा तो रिएक्शन देखूंगा उनका। एंड फिर ये जो पैसे हैं इसमें जो मेरे, ये मेरा कर्ज है, तो ये कर्ज भी निपटा दूंगा मैं। और बचे ये वाले पैसे लाइक कितने हैं, ये 500, 600, 700, हाँ 1100 रुपये हैं, तो ये लगा लो अभी बचे हैं 15 दिन बचे हैं। मेरा इतना कोई खर्चा नहीं है, मैं कोई इतना मतलब कोई खर्चा वर्चा करता नहीं हूँ, तो अगर मैं दिन के अगर 100 रुपये भी खर्च करूँ तो मतलब मेरे 1100 रुपये 11 दिन चल जाएंगे, मगर मैं इतना खर्चा नहीं करता हूँ। होटल में ही मतलब जहाँ रेस्टोरेंट में काम करता हूँ वहीं पर ही मेरा खाना वाना हो जाता है। एंड पीने वीने का तो आपने देखा ही होगा, मतलब मैं पीता वीता नहीं हूँ इतना, बहुत पहले मतलब बहुत ज़्यादा पीता था, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, तो वहीं पर ही थोड़ी बहुत टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाती है एंड खाना वहीं मिल जाता है। अकोमोडेशन मेरे को मिली हुई है, जैसे आप ये देख रहे हो ये मेरे कपड़े टंग रहे थे पीछे, मतलब यार स्ट्रगल लाइफ बहुत बेकार होती है, अच्छी भी होती है, सिखाती भी है, मगर बहुत बेकार भी होती है। तो अभी बस मैं इसके बाद अपना चेंज वेंज करके दिल्ली, बहुत मज़ा आएगा। मैं खाली 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, मतलब ये लगा लो 14 दिन से पहले मैंने काम किया है, 14 दिन से मैंने कोई ऑफ नहीं लिया, मतलब आज 16वां दिन हो गया, 14 पहले, हाँ तो आज 14 दिन है, आज मैंने हाफ डे लिया, अभी निकलूँगा 2 दिन दिल्ली, फिर वापस आना है। तो गाइज एक रात का सफ़र करके मैं पहुंच गया हूं अपने घर में, और अभी तो सुबह हो रही है एंड मेरे 2 भाई आ रखे हैं पीछे, योगेश एंड पुष्कर, ये कुछ कैमरे से कर रहा है। अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे टैटू करने, मेरे को यहां पर इस जगह पे एक टैटू बनवाना है, तो उसके लिए जाऊंगा। और जो मैंने कल आपको दिखाया था पैसे, वो मैंने कुछ कहाँ गए, हाँ ऐसे करके बंडल्स में बना लिए हैं, तो ये मम्मी को दे दूंगा, एक ये दे दूंगा, थोड़े एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसके लिए, मैंने एक्स्ट्रा भी करके रखे हुए इधर, तो ये 2 दे देंगे मम्मी को, बढ़िया सैलरी। नेक्स्ट मंथ थोड़ा और ज़्यादा दे दूंगा, क्योंकि इस टाइम 20 दिन का मेरा पैसा आया था, तो ज़्यादा नहीं है, कम है, तो कम देंगे, अगली बार ज़्यादा देंगे। आओ इधर आओ, फोन उठा लो ना, क्या मौसी से बात कर रहे हो ना, बैठो। तो भाई अब मैं देने जा रहा हूँ, दो हैं ये, तो यही है, इनकम दे देंगे। खोल के तो देखो उसको, तो गाइज ये थी मेरी इस महीने की इनकम, कम है मगर अगली बार ज्यादा देंगे। ये लो, ये थोड़े और एक्स्ट्रा है, ये दो गोले बना के दिए, दो गोले आंखें बड़ी हैं, मेरी आंखें बड़ी हैं, मेरे बेटी की कमाई आंखें बड़ी नहीं होंगी, और क्या 12 12 12.5 तू तो कह रहा था 21 है, मैं तो 21 क्या हो रहा है भाई, आने का लग गया, अभी जाने का लगेगा, अभी टैटू बनवा रहा हूं उसका लगेगा, मतलब मेरे पास कुल मिला के 1000 रुपये बचेंगे, अभी थोड़ा मेरा सर्विस चार्ज मिलेगा तो वापस उसमें से भी दे दूंगा मैं आपको। तो सर्विस चार्ज हमारा मतलब ऐसा होता है कि सैलरी जो सर्विस चार्ज होता है, तुम कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो देखोगे कि 10% सर्विस चार्ज आता है, तो वो हमारे आपस में सेंट्रलाइज होकर बढ़ता है, मतलब जैसे कि हम 100 लोग काम कर रहे हैं तो एक, अगर मान लो 1 लाख रुपये आया तो 100 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, तो वो अभी मिला नहीं है मेरे को, अभी मिलेगा आगे जाके 24-25 को मिलेगा, तो वो भी पैसा मैं घर ट्रांसफर कर दूंगा। अपने तो फटे हाल है भाई, फटे हाल। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये टैटू है मेरा पहले जो मैंने बनवा रखा है, ठीक है, यहाँ हमारे महादेव जी हैं एंड यहाँ स्कल्स हैं,
लाइफ एंड डेथ, और यहाँ हमारा महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है। तो अभी मैं गाइज यहाँ पर एक टैटू करवाने वाला हूँ, बहुत बढ़िया टैटू, इस तरीके से होगा वो, इधर की तरफ ऐसे इतना बनेगा, एकदम खतरनाक टैटू बनेगा, खतरनाक।